नागपुर के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल के निवासी डॉक्टरों ने बुधवार को आंदोलन करते हुए वेतन वृद्धि और कोविड सेंटर की ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आयुर्वेदिक के छात्र कोविड सेंटर में सेवा देने में असमर्थ होंगे, ऐसा भी उन्होंने आंदोलन के दौरान कहा। पिछले 6 महीनों से बिना किसी स्वार्थ के महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी कोविड सेंटर में सेवा दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एकेडमिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा तर्कहीन ड्यूटी शेड्यूल की वजह से भी इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर उन्होंने मांग की है कि उन्हें कोविड सेंटर्स की ड्यूटी से मुक्त कर विद्यालय में नियुक्त करें। विद्यार्थियों का कहना है कि सेवा देते हुए पिछले 4 महीनों से इनका विद्या वेतन रुका हुआ है। अन्य वैद्यकीय विभाग में 10,000 से वेतन की बढ़ोतरी की गई है। इस ओर ध्यान दे और इसका तुरंत उपाय निकाल कर वेतन में वृद्धि करने की मांग भी छात्रों ने की है। कोविड सेंटर की ड्यूटी करते हुए कई विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्वारंटीन की कमी के कारण पॉजिटिव विद्यार्थियों की विद्या वेतन में कटौती की गई है। कोई भी विद्यार्थी जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, वो ड्यूटी करते हुए पॉजिटिव आए हैं तो उनकी अनुपस्थिति न दिखाते हुए उन्हें ऑन ड्यूटी थे ऐसा दर्शाए और उनका वेतन ना काटा जाए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इसका लेखन में आश्वासन की मांग की है। उनका कहना है कि सभी मांगों को ध्यान में रखें और इस पर उचित कार्रवाई करें। यदि यह सभी निर्णय आपके हाथ में ना हो तो इससे संबंधित कार्यकारी अधिकारी से चर्चा करने की बात भी की है। मागच्या 6 महिन्यांपासून आमचा प्रत्येक रेसिडेंट डॉक्टर कोविड ड्यूटी करत आहे। कुठली पण कंप्लेंट आम्ही केलेली नाहीये। आमच्याकडून जेवढं काही शक्य आहे आम्ही सगळं करतोय। पण हे असून पण 12 ऑगस्टला शासनाने एक GR काढला, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की मेडिकल आणि डेंटल यांचे आम्ही 10,000 रुपये स्टायपंडमध्ये रोख वाढ करतो आहे आणि तिथे जाणून बुजून आयुर्वेदच्या रेसिडेंट डॉक्टरला वगळण्यात आलं आहे। आणि हे जाणून बुजून हा शब्द मी मुद्दाम वापरतो आहे कारण की आम्ही 2 महिन्यापासून याचा पाठपुरावा करतो आहे। प्रत्येक मंत्र्यापर्यंत पोचलं आहे, इतकंच काय तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांपर्यंत पण आमचं लेटर पोचलं आहे, पण याच्यावर आजपर्यंत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही आहे। स्टायपंड वाढतं सोडून द्या, मागच्या 4 महिन्यांपासून म्हणजे मे नंतर आमचं एकही विद्यावेतन आलेलं नाही आहे। आम्ही कसं जगतोय आम्हालाच माहिती आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दीपिका धनेश्वर, INBCN न्यूज़ नागपुर।